लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लाश की तलाश है, सुनीता की लाश। सुनीता जो बंबई के बहुत बड़े मिल मालिक की इकलौती बेटी थी। यूं तो सभी को मेरी मौत का दुख पहुंचा है, मगर सबसे ज्यादा उदास ये आदमी है जो सबसे अलग खड़ा है। और क्यों न हो, आखिर को ये मेरा पति है। कल ही तो मेरी इससे शादी हुई थी। कितनी दुनिया बदल गई है कल और आज में। खून और फरेब की ये कहानी 3 लाख रुपए की चोरी से शुरू हुई थी। इस सेफ की एक चाबी मेरे पास रहती है, दूसरी तुम्हारे पास। कल मैंने यहां तुम्हारे सामने 10 लाख रुपए रखे थे, जिनमें से 3 लाख गायब हैं। कहां गए वो रुपए? मुझसे गलती हुई बाबूजी। मतलब यह है कि तुमने मुझसे पूछे बिना कंपनी का रुपया खर्च कर डाला? खर्च नहीं किया बाबूजी, किसी को दिया। किसको दिया है ये मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन बाबूजी मुझे अफसोस है कि। अफसोस तो मुझे होना चाहिए कि मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी देर क्यों लगाई। अपने स्वर्गवासी दोस्त के नाते तुम्हें औलाद की तरह पाला, अमरीका भेजकर तालीम दिलाई और फिर इतनी बड़ी मिलकर जनरल मैनेजर बना दिया। ये तस्वीर देखते हो करमचंद, जो मेरा दोस्त भी था और इस मिल का जनरल मैनेजर भी। यहां 30 साल उसने ईमानदारी के साथ काम किया। मैंने तुम्हारी बातों में आकर उसे नौकरी से अलग कर दिया। लेकिन बाबूजी मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको बात। खामोश! इस कंपनी में और बाहर तुम्हारी साख बनी हुई है,
तुम जैसा मेहनती और ईमानदार मैनेजर किस्मत वालों को ही मिलता है। तुम कितने ईमानदार हो ये राज अभी इस कमरे तक ही है। कल सुबह तक अगर तुमने मेरी रकम वापस न की तो ये राज न सिर्फ इस कमरे के बाहर होगा बल्कि पुलिस के हाथों में भी। तुम अब जा सकते हो। मेरे प्यारे दोस्त करमचंद, तुमने राजन के बारे में जो कहा था वो सच निकला। उसने मेरे सेफ से 3 लाख रुपए की चोरी की है। कल सुबह तक अगर उसने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर मेरी गलती माफ कर सको तो अपनी पुरानी नौकरी पर वापस आ जाओ। तुम्हारा दोस्त मोहनदास। जी कल तो बस खैरियत ही हो गई। मौका पाकर वो तीसरी मंजिल से कूद कर जान देना चाहती थी। अगर राजन बाबू न होते तो सुनीता जी का बचना ही मुश्किल था। डॉक्टर साहब, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आखिर कोई दवा, कोई इलाज तो ऐसा होगा जिससे। राजन, इसका इलाज दवा से नहीं, समय से होता है। शायद कुछ समय गुजरने से ये गम कम हो जाए, मगर इस वक्त तो बिल्कुल होश में नहीं। सारी इलामतें बता रही हैं कि वो पागल हो चुकी है। अच्छा, मैं चलता हूं। नर्स को मैंने कह दिया है कि सुनीता को किसी हालत में भी अकेले न छोड़ा जाए। मैं ख्याल रखूं। करमचंद जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, मगर डॉक्टर का ये हुक्म है कि सुनीता को किसी से भी मिलने ना दिया जाए। हर नए आदमी को देख के वो भड़क उठती है और फिर ये। मिस्टर राजन, सुनीता के लिए मैं कोई नया आदमी नहीं। स्वर्गवासी मोहनदास जी के साथ 30 साल मैंने कंपनी में काम किया और सुनीता मेरी गोद में खेली हुई बेटी है। वो सब ठीक है करमचंद जी, मगर आपको सुनीता की दिमागी हालत नहीं मालूम। मेरी आपसे विनती है कि आप। मिस्टर राजन, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं सुनीता से मिलकर दोबारा कंपनी में नौकरी मांगने आया हूं, तो माफ कीजिएगा, आप गलती पर हैं। मुझे बेंगलोर में नेशनल ऑयल मिल्स में जनरल मैनेजर बना दिया गया है और मैं आज ही बिजनेस के लिए यूरोप जा रहा हूँ। मैं यहाँ आपकी नौकरी छीनने नहीं, अपना फर्ज अदा करने आया हूँ। फर्ज अदा करने? क्या ये दिखाने कि आपको सेठ मोहनदास की मिल की परवाह नहीं? आपको बेंगलोर की मिल में बहुत बड़ी नौकरी मिली है और आप यूरोप जा रहे हैं। सुनीता बेटी, यहाँ आपकी कोई बेटी बेटी नहीं, चली जाइए यहाँ से। बेटी, अगर मेरे आने से तुम्हें दुख हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। मगर बेटी, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो इतना याद रखना, करमचंद ने तुम्हारा नमक खाया है, वो अपना खून बहा के भी नमक का हक अदा करेगा। राजन, यहाँ आओ। ये क्या है? मेरा वसीयत नामा। मेरे मर जाने के बाद ये सारी जायदाद तुम्हारी। सुनीता, तुम सच में पागल? सारे जान पहचान वाले यही समझते हैं कि मैं बिल्कुल पागल हूँ। अगर मैं पागल होती तो ये न करती। लेकिन तुम ये क्यों कर रही? इसलिए कि मेरे लिए जिंदगी खत्म हो चुकी है। मेरे बाद मेरी जायदाद का हकदार तुमसे बढ़कर और कौन हो सकता है? सुनीता, मुझे दौलत की आरजू नहीं, मुझे परेशानी है तो उस वचन की तो मैंने बाबूजी को दिया था। वचन? हाँ, जानती हो जिस दिन बाबूजी का हादसा हुआ उन्होंने ऑफिस ले जाकर मुझे क्या कहा था? क्या कहा था? वो मेरी और तुम्हारी शादी कराना चाहते थे। शादी? हाँ। मगर ये कैसे हो सकता है?
मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। इनकार करने से पहले इतना सोच लो, ये बाबूजी की आखिरी तमन्ना थी। वही बाबूजी जिन्हें तुम प्यार करती हो, जिनके रंग से तुम्हारी ये हालत हो गई है, तुम उनकी आखिरी तमन्ना को ठुकरा नहीं सकती। सुनीता, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, बहुत बड़ा पाप। एक पागल के साथ अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है। वो राजन का कहना है शादी के बाद में ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं। मुझे राजन से न तो कोई प्यार है न शादी की आरज़ू थी। मैंने तो सिर्फ आपकी खुशी पूरी की है। ओह नो सुनीता, आज हमारी शादी की रात है। अच्छा देखो, आज मैंने फैसला किया है कि आज की रात और अपनी नई जिंदगी हम इस घर से नहीं शुरू करेंगे। मैंने खंडाले में एक कॉटेज किराए पर ली है, हम लोग 2 घंटे में वहां पहुंच जाएं। जाओ तुम जल्दी से तैयार। मैं बत्ती जलाता। शादी मुबारक हो राजन। नहीं पहचाने? मैं हूं मोनिका, रीजेंट क्लब की मशहूर कैबरेटर और 3 साल से तुम्हारी महबूबा। क्या बकवास लगा रही है? कौन हो तुम? किस लिए आई हो यहाँ? स्टे देयर यू ब्लमिंग रास्कल। मैं वो नहीं जो धोखा खा के खामोश बैठ जाऊं और तुम्हें जिंदगी के बहाने लूटने दूं। सुनीता, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ, मगर याद रखो मुझे न तुमसे कोई शिकायत है न नफरत, क्योंकि तुम बेगुनाह हो और आज तुम ऐसे मक्कार के चुंगल में फंसी हो जो के। सुनीता सुनीता, इसकी एक बात मत सुनो। आज से पहले मैंने कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखी। ये मक्कार है, झूठी है। हाँ ये झूठ है कि आज 3 साल से हर रात तुम मेरे साथ गुजरते हो। ये भी झूठ है कि तुम मेरे जिस्म से खेले हो और तुमने कभी मोहब्बत और शादी के वादे नहीं किए। और अगर ये सब झूठ है तो शायद ये तस्वीरें भी झूठी हैं। मेरी बाहों में ये तुम नहीं कोई और है। शायद मुझसे पहले किसी और की जवानी से खेले होगे और सुनीता के बाद और भी लड़कियां तुम्हारे जीवन में आई, क्योंकि सुनीता से तुमने शादी की है तो दौलत की खातिर। जिस दिन सुनीता तुम्हारे हवस के सामने कांटा बनेगी, तुम सुनीता को भी अपने रास्ते से उसी तरह हटा दोगे जिस तरह तुमने सेठ मोहनदास का खून किया है। ये झूठ है, सारी दुनिया जानती है कि बाबूजी 4th मंजिल से गिर पड़े थे। नहीं, वो गिरे नहीं, उन्हें गिराया गया था और उसका सबूत है ये चिट्ठी जो उन्होंने उसी रात अपने दोस्त करमचंद के नाम लिखी थी। उनके मरने के बाद तुमने ये चिट्ठी उनकी जेब से निकाली थी, मगर जो दूसरों की जेब काट सकता है उसकी जेब भी कट सकती है। ये लो सुनीता, अपने बाप की लिखाई तो पहचानती होगी। तुमने राजन के बारे में जो कहा था वो सच निकला। उसने मेरे सेफ से 3 लाख रुपए की चोरी की है। कल सुबह तक अगर उसने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर ये चिट्ठी पढ़कर भी मुझ पे विश्वास नहीं तो मनाओ शादी की रात अपने बाप की कातिल के साथ। मगर इतना याद रखना बहन, इस मनहूस के हाथ एक दिन तुम्हारे गर्दन तक पहुंचने वाली है। इससे पहले अगर होश आ जाए तो मेरे पास चले आना। मोनिका बहन समझकर तुम्हारी पूरी मदद करेगी। गुड बाय राजन। सुनीता मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। नहीं सुनीता मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ समझा दूंगा। सुनीता उस मक्कार औरत की बातों में मत आना। सुनीता 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 सुनीता, दरवाजा खोलो सुनीता। सुनीता
कल तुम्हारे पिता का खून हुआ था, आज तुम्हारी बारी है। इसलिए कि तुम अपने वसीयतनामे में लिख चुकी हो कि तुम्हारी मौत के बाद सारी जायदाद राजन की है। मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है सुनीता, मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है। चाहता है लाश नहीं मिली इंस्पेक्टर साहब तो वो जिंदा भी हो सकती है। मिस्टर राजन जरा सोचिए, गाड़ी 1000 फीट ऊंची पहाड़ी से नीचे दरिया में गिरी है। हो सकता है कि गाड़ी गिरने से पहले वो बाहर कूद गई हो। मेरे आदमियों ने सारा इलाका छान मारा है लेकिन उसके जिंदा होने का कोई सबूत नहीं। लेकिन उसकी लाश भी तो नहीं मिली इंस्पेक्टर साहब। लाश दरिया में बह सकती है, किसी चट्टान के नीचे दब भी सकती है। 2 घंटे से गोताखोर दरिया में तलाश कर रहे हैं मगर कुछ नहीं मिला। इसलिए तो मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा भी हो सकती है। मिस्टर राजन अपने आप को धोखा देने से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। आपकी यकीन से क्या होता है? मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा है। आप उसे भूल सकते हैं लेकिन मैं मरते दम तक उसकी खोज करता रहूंगा। क्या सोच रही हो सुनीता? पुलिस को जाके बता दो कि राजन खूनी है, मगर तुम्हारी बात सुनेगा कौन? सब राजन को देवता समझते हैं और तुम्हें एक पागल। पुलिस वाले फिर तुम्हें उसके हवाले कर देंगे और वो फिर तुम्हें मार डालने की कोशिश करेगा। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मोनिका के पास जाओ। उसके पास तुम्हारे पिता की चिट्ठी है, तुम्हारे पिता के कत्ल का सबूत। इस समय राजेंद्र के आदमी हर जगत में खोज रहे होंगे। बंबई पहुंचना है तो
तुम्हें भेष बदलना होगा। हम तो हैं राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते, मंजिल है किसको प्यारी हो। अरे हम तो हैं मन के राजा, राजा की चली सवारी, अरे हो सुनो जरा। हम तो हैं राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते रे। अलबेले हैं सारी दुनिया झेले हैं, अपने तो सपने लाखों बस कहने को अकेले हैं। अरे सबका बोझा लेके चलती है अपनी लारी, अरे ओ सुनो जरा। हम तो है राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते रे। चलते जाए सबका ही दिल अपनाए, जब रोए कोई दूजा नैना अपने छलक आए। प्यारे काम आएगी सुनता जा बात हमारी, अरे हो सुनो जरा। हम तो है राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते रे। शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर। अस्तगुरु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु। हर 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 शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर। अस्तगुरु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। हरे 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 अल्लाह 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 अल्लाह। हरे 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 अल्लाह 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 अल्लाह। हरे हरे अल्लाह अल्लाह हरे हरे अल्लाह 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 अल्लाह। हर हर अल्लाह अल्लाह हर हर अल्लाह अल्लाह हर हर अल्लाह अल्लाह हर हर अल्लाह अल्लाह। पंडित मुल्ला डांटे पर हम सब का दुख बांटे, सारे हैं अपने प्यारे, बोलो किसका गला काटे। रामू या रमजानी अपनी तो सबसे यारी, अरे हो सुनो जरा।
हम तो है राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते, मंजिल है किसको प्यारी हो। अरे हम तो है मन के राजा, राजा की चली सवारी, अरे ओ सुनो जरा। ब्रदर क्या बात है हा? देखो एक लड़की, एक लड़की, एक लड़की, कितना लड़की, इधरा लड़के भाईजान, इधरा दो रुपये भैया सामान। अरे कमाल है, मुझे भी पिया हुआ बोल दिया। अबे पिया होगा तेरा बाप साला। इधरा लड़की, अभी नहीं बस में। किधर है लड़की? पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, तेरे की। जिस टाइम हो तो महीना चलना मुश्किल है, 250 रुपए में हर महीना कैसे पूरा करूं? डोंट नो। नो यू, यू यू। एक तो चोपड़ी क्या पड़ गया, जब देखो आधा इंग्लिश आधा हिंदी में बात करता है। अबे ठीक कह रहा हूं, तेरी तरह जाहिल थोड़ी हूं। अंग्रेजी का मिडिल पास हूं, मिडिल वो तो लग बैठ के पिताजी चल बसे, वरना आज बीए होता। कोई बात नहीं, मेरा छोटा भाई मोंटो है ना, मोंटो, उसे पूरी एजुकेशन दिलवाऊंगा। ये क्या होता है? इतना भी नहीं मालूम? एजुकेशन यानी अंग्रेजी का वर्ड है, यानी पढ़ाई शिक्षा। अपन समझा को गाड़ी का पुर्जा होता है। पन ये तेरा भाई मोंटू है किधर? बंबई के एक स्कूल में पढ़ता है और वहीं हॉस्टल में रहता है। हर महीने 100 रुपए उसे भेजता हूँ, 50 माँ को, 50 तेरे और 50 मेरे। तो फिर अपने नोटंकी के मालिक को बोलना अपना पगार भराए। बढ़ाए? अबे उसका यही एहसान है कि उसने मेरी लॉरी किराए पे ले रखी है, वरना शहर में तो इसे कोई पूछता भी नहीं। पन अभी बंबई काय को जाने का? यार मोंटो के स्कूल की 2 महीने की छुट्टी है और अपना कारवां खंडाला से बैंगलोर जा रहा है जहां मेरी माँ रहती है। सोचा उसको भी साथ ले चलते हैं, गांवों की सैर भी हो जाएगी और वो माँ से भी मिल लेगा। हा? चल यार बहुत भूख लगी है, आजा खाना खा ले। मेरे को नहीं मांगता। अबे साले खा ले फिर नहीं पूछूंगा। वो अपन को मालूम है। मालूम है तो ठीक है। खाना है, क्या बढ़िया तरकारी है, ये देख क्या बढ़िया सैंडविच बना है। क्या चटपटी सब्जी है, वाह 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 वाह, बहुत मजा आ गया। क्यों बे उड़ा गया नहीं कालू? क्या बोले? खा ले खा ले। खा ले चोर साले। क्या बोले? चल जेब से आलू निकाल, जल्दी निकाल। आलू? हाँ हाँ आलू। कैसा आलू? चोर साला। किधर? खाले खाले। खाले खाले दारू अपन पिया, नशा भाई को हो गया।
कल चोरी चोटी कहीं की, मेरा खाना चुरा रही है। शेम नॉट कमिंग यू मी है। अरे मुंह क्या देख रही है, तेरे फादर का खाना है ये है? बोल। मुझे मुझे बहुत भूख लगी थी। भूख लगी की बच्ची, बेचारी को भूख लग गया था भाईजान। भूख लगी थी, मेरा माल क्या मुफ्त का है, है? फ्री फ्री। अरे क्यों नहीं, ये तो क्राइम, रो रही है ये। रोएगी नहीं तो और क्या। मोहन सेठ तुम आदमी है कि शेंटी फ्लैट, एक रोटी के लिए खाली पीली बूम मारे ला, तुमको शर्म नहीं आता एक छोकरी को ऐसा था बोलने को। तुम एकदम एकदम अपन बोला तुम एकदम। अच्छा बस बस बस। मैम साहब आई एम बहुत बहुत सॉरी, आई एम चिल्लाया, आई एम सॉरी। ओके कम ऑन बेबी नाउ ईट इट, ईट इट। अरे हिंदी में बोल, हिंदी में, ये बेचारी गांव वाली तेरी भाषा क्या समझेगी। ओ यस यस यस। अच्छा बाबा खा लो खा लो। नहीं मेरा पेट भर गया। सच्ची? ओके वाटर। यानी इंग्लिश समझती है, वाटर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझती है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम सोनी। सोनी घर से भागी हुई लगती है। हाँ क्यों? मेरे माता पिता नहीं है, वो मेरे चाचा है ना, मेरी सगाई एक बूढ़े के साथ करना चाहते थे। व्हाट? बूढ़ा? ओल्ड मैन जॉनी, ओल्ड मैन के साथ, ओल्ड मैन के साथ, इट इज नॉट डन। अच्छा कि जो घर से भाग गई, मगर अब जाओगी कहाँ? मुझे बंबई जाना है। बंबई? उधर जाकर क्या करूंगी? वहां मेरा एक सगा वाला है, वो मुझे नौकरी दिला देगा। वेरी वेल, हम तुमको बंबई पहुंचाएगा। जॉनी गाड़ी का हैंडल मारो, मैम साहब को बंबई पहुंचाना है। कम ऑन बेबी, बेबी कम ऑन, चलो गाड़ी स्टार्ट करेगा। मैम साहब बंबई आ गया। जानी चल माउंटो को लेने स्कूल चलते हैं, और उसके बाद खाना वाना खाकर वापस खंडाला। और खंडाला से फिर? खंडाला से हमारा कारवां वापस बेंगलोर जाएगा। और अगर तुझे कुछ नहीं है बाबूजी, बात ये है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर आप अपना बेंगलोर का पता बता दे तो मैं वो पैसा वापस कर दूंगी। वापस? वापस? हाँ मुझे 5 रुपया उधार चाहिए। लो सुनो, उंगली पकड़ के पहुंचा। भाईजान 2 रुपए आपन देता है, 3 रुपए तुम निकालो। हाँ हाँ अबे ठीक है ठीक है ठीक। हाँ ये ले 5 रुपया, लेकिन आज के बाद फिर कभी अपनी सूरत मत दिखाना। अबे चल खाना खाने। चलिए भाईजान चलिए चलिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस प्रोग्राम का आपको इंतजार था वो अब शुरू होता है। दिल थाम कर बैठिए, पेशे खिदमत है हिंदुस्तान की मशहूर कैबरे डांसर, वन एंड द ओनली वन, मोनिका। Thank you.
नौटी, तुमसे कहा है ना ये सब शादी के बाद। मगर अब शादी में देरी कितनी है? कौन जाने कितनी। कितना फूल प्रूफ ड्रामा बनाया था उसे फांसने के लिए, मगर वो गाड़ी से कूदकर बच गई। लेकिन बच के जाएगी कहाँ? जान पहचान वालों के पास, पुलिस के पास। ना, सब जानते हैं कि वो पागल है। हो सकता है कोई उसकी बातों को सच मान ले। और बस एक ही आदमी का डर है। कौन? सेठ मोहनदास का दोस्त करमचंद। वो सुनीता के लिए अपनी जान तक दे सकता है, मगर वो यूरोप गया हुआ है। 25 दिसंबर को बेंगलोर पहुंचेगा। 2 महीने तक सुनीता कहां तक छुपेगी? हर जगह मेरे आदमी उसकी खोज कर रहे हैं। हो सकता है वो मुझसे मिलने आए। जरूर आएंगी, इसीलिए मेरे आदमी तुम्हारे घर पे उसकी राह देख रहे हैं। घर? लेकिन वो यहाँ भी आ सकती है। यहाँ आई तो बड़ी आसानी से पकड़ी जाएगी। सुनीता ऐसी बेवकूफ नहीं। लड़की अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो इतना याद रखना, करमचंद ने तुम्हारा नमक खाया है, वो अपना खून बहा के भी नमक का हक अदा करेगा। तुम्हारे पिता के खून का बदला अगर कोई ले सकता है तो वो है करमचंद। तुम्हें बेंगलोर जाना होगा सुनीता, और बेंगलोर पहुंचने का एक ही रास्ता है। मोहन ने कहा था उसकी ये लॉरी किसी कारवां के साथ बेंगलोर जा रही है। अगर मोहन राजी हो जाए तो तुम करमचंद तक बड़े आराम से पहुंच सकती हो। क्या कर ले भाईजान? किसी को बताना नहीं मैं यहाँ छिपी हुई हूँ। कौन हो तुम? मैं मुसीबत में हूँ, मुझे खंडाला जाना है। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो मुझे गाड़ी से उतार देंगे। क्या तुम गांव वाली हो? ए मोंटो! किसी को बताओगे नहीं ना? Hey Manto, what the hell inside you're crying? Eh? Me calling you, I not coming soon? Oh, इतनी देर से अंदर क्या कर रहा था? डब्बा ही नहीं मिल रहा था। डब्बा नहीं मिल रहा, अनाड़ी कहीं। ये क्या? अरे मैंने तो 12 रोटी खरीदी थी, इसमें तो सिर्फ ओनली 8 है। गिन के लेना चाहिए भाईजान, ये शहर के व्यापारी बड़े चोर लोग होते हैं। हाँ भैया बहुत चोर होते हैं। चलो जल्दी जल्दी शुरू करो। अरे क्या हुआ? कुछ है, कुछ है। भैया तुम ये नौटंकी वालों के साथ क्यों घूमते हो? मांटो बंजारों की एक टोली है, उसके सरदार है मीठा लाल तोता। ये टोली गांव-गांव जाकर तमाशे करती है। उस मीठा लाल तोता ने मेरी इस तूफान मिल को किराए पे ले रखा। जहां जहां बंजारों का कारवां जाता है मैं भी जाता हूँ। तो आजकल वो कारवां खंडाला में रुका हुआ है। भाईजान जरा स्पीड बढ़ाओ नहीं तो रात तक खंडाला नहीं पहुंचेंगे।
ये लो। तोता जी ये लड़की कौन है? निशा हमारी टोली की खास नर्तकी है, बिजली की तरह नाचती है, बिजली की तरह बड़ी सुंदर है। परवेती जी बाबा दाल मताल अरे ये मोंटू तो बिल्कुल तुम सारी का है, बिल्कुल तुम सारी का। हाँ अंकल, मोंटो ये है तोता काका, बंजारों के सरदार। ऐसे करो आ बेटे, आ जीते रहो बेटे, जीते रहो बेटे। नमस्ते नमस्ते अंकल। हाँ मैं जरा मोंटो को सबसे मिला था। हाँ बुला। हाँ बुला बेटे, चल मोंटो बुला बुला। ये ले मेरी जान, अपन मुंबई से लाया तेरे लिए। क्या है? पाउडर है भाईजान, पाउडर। भाईजान? अरे मेरा मतलब है मेरी जान, इसे गालों पर मलते। गालों पर? इससे गाल चिकने हो जाते, मस्के के माफ। जेल हट। अरे सच्ची बोलता हूँ, लगाता हूँ तेरे को अभी। बोल मजा आया? हाँ आया। है? और लगाता हूँ। अरे तब एक है, बोल क्या करना था, बस आज चिकने कर रेला था। सच्ची बोलता हूँ तोता चीचा, बहुत अच्छा है ये फोटो, थोड़ा तुम भी लगा लो ना। बदमाश अजाना तुम, ये शराबी मेरी पेटी पर डोरा डालता। खाली पीली गरम काय का होता है तोता चाचा, अपन तारा के साथ शादी बनाना मांगता है। शादी? अरे जिंदा ही जमीन में गाड़ दूंगा, मेरा दाम जानता है? जानता हूँ मीठा लाल तोता, पर तुम मीठे नहीं कड़वे हो, लाल नहीं पीले हो, तोता नहीं मुर्गे हो, मुर्गे। क्या कहा? मुर्गे। संभाले अपने दोस्त को, अगर इसने फिर मेरी बेटी की तरफ टांग उठाकर देखा तो मैं इसकी हड्डी पसली चूर कर दूंगा। यह फंदा कहीं का। लवर को लफंगा बोलता है। चुप रे चाले, चल जाकर खाना निकाल, मांडो भूख लगी होगी, अपना भी टाइम हो गया भाई। लवर पागल हो गई। दो दिवस से गायब था और अब आखिर नजर भी नहीं मिला था। क्यों रे मेरे गरम मसाले। मोंटो ये है निशा, फर्स्ट क्लास डॉक्टर। निशा ये है मोंटो, मेरा भाई मोंटो। अरे पहले मेरी बात का जवाब दो ये गरम मसाले। समझती है मेरा नाम गरम मसाला है। टेरिबली मिस्टेकन, मिस्टेकन, मिस्टेकन। अरे सीधी भाषा बोलो ए, नहीं तो चक्कू मार दूंगी। छोड़ ना, देख निशा तुम बहुत अच्छी लड़की है, तुम बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं और मैं अच्छी लड़की हूँ? हाँ तुम बहुत अच्छी लड़की है, यानी कि वेरी नाइस गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है। मैं मर गई। तूने मुझे अच्छा कहा, मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई, खलास मैं मर गई। क्या ठहर रहा, अभी मैं नहीं मरू, अभी नहीं मरू, मेरी बात सुनो निशा। वो देखो बोला है ना, क्या हुआ उसे? हुआ कुछ नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है। देखो ये गरम मसाले, फिर कभी ऐसी बात की ना तो चक्कू मार दूंगी। चक्कू मार दूंगी, इडियट कहीं की, यही तो मुश्किल है बेपढ़े लिखे लोगों की, बात नहीं समझते। तू तो पढ़ा लिखा है ना, तो मेरी बात क्यों नहीं समझता रे। गरम मसाले चले मंटू, खाना खा ले। बेचारे निशा, प्यार किया भी तो किस अनाड़ी से। अबे बकरे, मैं प्यार करूंगा तो अपने बराबर वाली से,
पढ़ी लिखी लड़की से, वैशी और जंगली से नहीं। चल पानी दे वहां से।
तो निशा से प्यार करता है? निशा के लिए अपनी जान दे सकता है? घर बार अपने पराये धर्म ईमान सब कुछ बेच सकता है? जेल जा सकता है? फांसी के तख्ते पर चढ़ सकता है? जा सकता है, चढ़ सकता है। निशा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारा हकदार मैं नहीं बोला है। बोला यह हाथ कभी नहीं छोड़ना, नेवर। छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ पकड़ है। ये बंजारे लोग बात बात पर थूकते गए हुए हैं भाईजान। अच्छा बकवास बंद कर, मैं टायर का पंचर ठीक कराने जा रहा हूँ। दुकान बहुत दूर है, इसलिए रात वहीं सोऊंगा, सुबह लौटूंगा। तुम मोंटू को मेरे बिस्तर पर सुला दे। फिक्र ना करो भाईजान, आप उन मोंटू को संभालेगा। चलो मोंटू बेटा, चलो चलो चल के सो जाएंगे। चल मोंटू बेटा, तू अकेला सो सकता है? हाँ बिल्कुल। क्या बात, देख उस सामने वाला तंबू है ना, वो तेरे भैया का है। अपन को थोड़ा सा काम है, अपन चलता है, तू जाके सो जा। अच्छा। अपन जाता। ये तो मुझे चलो भाई। बहुत अच्छे हो मोंटो, तुम भी तो बहुत अच्छे हो। सुनी माफ करना, हाथ जाम हो गया था। ठंडी ना? तुम्हारे भैया रात में तो नहीं आएंगे ना? नहीं नहीं, वो तो सुबह आएंगे। अच्छा चलो सो जाते हैं। मोंटू, ए मोंटू, अरे अरे तू अजून तक सोया नहीं? कोई परवाह नहीं, अपन तेरे को कहानी सुनाए। आ जरा उधर सरक सरक, बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। अबे क्या करता है यार, अपन को भी ओढ़ने देना यार। अरे यार क्या करता है यार, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है यार। अरे भाई यार बहुत तंग कर रहा है यार आज तू। आ तो अब बोल, तेरे को कौन सी कहानी सुनाऊं? कोई फाइटिंग अपन दो जन के छह पाव कैसे? छह नहीं, चार हैं। चार, दो तुम्हारे दो मेरे। अरे अपन को अंधा समझता है क्या? छह है छह। नहीं अंकल, चार हैं चार। ठहर जा, अभी गिन के बताता। एक दो तीन चार। बाप रे, ये तो सचमुच ही चार है। मालूम होता अपन जास्ती पी है। अपन सदा अपन तो पीता हो गया, पीता था। जॉनी, ए जॉनी, जाकर अपनी बेड पर सो ना, मुझे नींद आ रही है यार। ओ ठंडी लग रही है। अबे ये साले लात मारता है। ओ सॉरी सॉरी। अबे ठीक है साले, सो मैं तेरे बिस्तर पर जाके सोता हूं। पकड़े गए, वो जाकर देखेंगे तो जॉनी अपने बिस्तर में होगा। बता दो उनको सब कुछ।
नहीं नहीं, कल सुबह मैं इधर जाकर कहीं भी सो जाऊंगी, तुम सो जाओ। चाचा इसकी जबरदस्ती शादी किसी बूढ़े के साथ करना चाहता, घर से भागी हुई है, मुझे बोली मुंबई तक छोड़। मैंने कहा तुझे तो बंबई छोड़ के आया, क्या जा गई? वो बंबई के लोग बहुत खराब है बाबूजी, मेरे मामा बंगलोर में रहते हैं, मुझे वहां पहुंचा दो। लो सुन लो, अरे हमारे कारवां को बेंगलोर पहुंचते पहुंचते 2 महीने लग जाएंगे, 2 महीने तक खिलाएगा तो मुझे नौकर रख लो, मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगी। हाँ भैया, ये हमारा खाना पका दीजिए। क्यों सोनी, पकाएगी ना? बहुत सोनी। हाँ जरूर पका दूंगी, मुझे बहुत अच्छा खाना पकाना आता है, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। ये ले, ताजा तीतर लाया शिकार करके, साफ करके सालन बनाने का मसालेदार। मसालेदार? हाँ हाँ मसालेदार, आज मोंटो साहब की दावत है, फर्स्ट क्लास खिचड़ी पकाना है और सब्जी तरकारी और मसालेदार तीतर। जल्दी आइदार। आया आया। अब क्या होगा? अरे आज नौटंकी देखने के लिए बहुत लोग जमा हुए हैं, मैदान खटाखट भरा हुआ है, बस अगर आज तू नीचा के साथ पुराना गाना गा दे तो बस पैसा ही पैसा। 5 रुपए दोगे? हाँ हाँ जरूर दूंगा। तू जल्दी से कपड़े बदल के आ, मैं भी अब जा। हाँ हाँ जल्दी कर जल्दी कर, छाबा छाबा जल्दी कर। चलो क्या खिला रही आज महारानी? सब्जी तरकारी गरम गरम। अरे मालिक करे हसम हसम। माश की खिचड़ी तड़केदार। अरे मैं तुझ पर वार। तीतर बटेर मसाले वाली। अरे वारी मेरी पटने वाली। क्या हो रहा भाईजान, खाने पक रहे क्या? नहीं पक रहे। हाँ इन्हें खाना पकाना ही नहीं आता, तुम्हें आता है? आता है, अपन बंबई में कुक था ताजमहल होटल में। तो तुम्हें पका दो ना अंकल। लो अभी लो, वो शो चालू हुआ, तुम लोग जाकर शो देखो, खाने का फिक्र मत करो, अपन मिनटों में बनाता है, मिनटों मिनटों मिनटों। चलो सुनिए चल के शो देखते हैं। जाओ जाओ सिस्टर जाओ जाओ। दाल सब्जी बनाओ, पूरी हलवा बनाओ। चढ़ती जवानी मेरी काल बस दुनिया हुई रे मेरे प्यार में दीवानी।
उसके कदम चूमे तेरी जवानी, वो है शहर की रानी रामा, चढ़ते जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। जॉनी ने सारा खाना जला दिया। अब क्या होगा? मैं खाने का दूसरा सामान ले आती हूँ। तुम्हारे भैया आए तो उन्हें कहना खाने में थोड़ी सी देर है। हाँ, अच्छा। ये ले बी, अब तो खुश है ना? ठीक है। थैंक यू अंकल। अरे ठहर ठहर, सबको देता हूँ, पहले मुझको रोटी खानी है। ए दिलिया, क्यों? हाँ, खाना तैयार है ना? अरे ऐसा मजेदार बनाया है कि उंगलियां चाटते रहोगे। अरे वारी मेरी दिलिया, हाँ तू खाना लेकर फौरन तंबू में आ जा। आजा, अभी आई, अभी आई। एक, टू, थ्री, फोर, फाइव। मंटो, अपनी कुक कहाँ? अभी आती है। गुड रेडी? हाँ यस रेडी। देखूं कैसा बना है। चल मंटो ले। जॉनी, एक्सेलेंट फूड। ऐसा क्या? हाँ, ये बड़ा के दम दम शी गुड कुक, पास के हमने ये क्या पकाया है तूने? दीवानी पूरी हांडी जला के रखती। ये कैसे हो सकता है? देख हंदी, ये क्या, ये दूसरी हांडी भी जली हुई है। हैं? हाँ, और ये देख, ये तीसरी भी एकदम काली पतीली। मैं पूछता हूँ क्या किया तूने? हैरान, ये कैसे हो सकता है? कैसे हुआ अभी बताता हूँ। ये ले तेरा हाथ, ये ले। अरे हाथ में इसकी जान लेकर छोड़ूंगा। इस बजात ने मेरा सारा खाना जला दिया। कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है अंकल, तुम मेरा खाना खा लो। तुमने फर्स्ट क्लास खाना बनाया है, तीतर है, सब्जी तरकारी है, खिचड़ी है। अरे मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तो इस महमूद को सबक सिखाना। मेरे को उठाओ। पूरी चोटी बदमाश, बोल मेरी पतीलियां उठाकर यहाँ ले आई और अपनी जली हुई पतीलियां उठाकर मेहर रख दी। वो कल मुही क्या बक रही है? मैं बक नहीं रही, मैं सच कह रही हूँ। देखो देखो, ये अपने ही बर्तन है, देखो। अरे हाँ, और तुमने मुझे पीटा। इस डायन ने अपना खोट छुपाने के लिए मुझे गालियां पड़वाई, मुझे मार पड़वाई। भगवान इसे समझे, भगवान इसे समझे, इसकी जवानी के सामने आए।
सोनी, क्या ये सच है? जी वो मोहन सेठ, सोनी का कोई मिस्टेक नहीं। सोनी के बदले अपन खाना बनाने को बैठा, नशे की धुनकी में अपन सो गया और खाना जल गया। ये खाने के बर्तन भी अपन ने बदले किया। अच्छा, तो खाने की चोरी तूने की है जॉनी? नहीं भैया नहीं, जॉनी अंकल ने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कहता हूँ, बर्तन मैंने बदले हैं। तूने? हाँ मैंने। तुझे इसकी पूरी सजा मिलेगी। मैंने ने कुछ नहीं किया, ये दोनों मुझे बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, सारा दोष मेरा है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई। जब से तू आई मेरा दोस्त झूठ बोलने लगा, मेरा अपना भाई झूठ बोल रहा है। तो जैसे चमत्कार वालों की यहाँ कोई जगह नहीं। चली जाए, मैं कह रहा हूँ चली जाए यहाँ से। मून सेठ, शट अप, जाती है या नहीं? मून सेठ, बुखार रोज चढ़ता है, सुबह चढ़ता है कि शाम को चढ़ता है? ए! क्यों रही? आज तुझे फिर किरा काटने लगा? अरे वो तो हरदम काटे है गरम मसाले मेरे अंग अंग में। अच्छा। हाँ, लेकिन आज तो तूने मेरा मन खुश कर दिया। अच्छा, मैंने मन ही मन में तुझे बहुत प्यार किया रे। अच्छा। अरे मुझे बहुत डर था उसका रे। किसका रे? वही तेरी काली काली आंखों वाली लचकती हुई नागिन सोनी, जिसे तूने आज यहाँ से भगा दिया। मुझे अब तेरा पूरा विश्वास हो गया है कि तू मेरा है। अच्छा, मुझे तुझसे कुछ बात कहनी है रे, बड़ी मीठी है रे। लेकिन लेकिन सबके सामने नहीं, तू नदी किनारे चल, मैं वहां आता हूँ। आएगा ना? हाँ हाँ, टू मिनट का। हाय मेरे गरम मसाले। अरे भोला, वार क्यों डन? हाँ करता कबूतर, अरे भाग, वो नदी किनारे बैठी होगी, उसे पकड़ के नदी में कूद जाना, और जब तक वो हाँ ना करे उसे ठंडे पानी से बाहर निकलने मत देना। अरे जल्दी जल्दी गोगो गोगो बैंड बैंड, तू मेरा खरगोश संभालना। हाँ। बाबू बाबू, क्या रही तारा? अब तुम ही जाके अपने भैया को समझाओ, बस रोई जाता है रोई जाता है। मोंटो अभी तक रो रहा है? हाँ, कहता है जब तक सोनी नहीं आएगी वो रोटी नहीं खाएगा। उफ। मोंटो, मंटो, आज मत लगा मुझे, आज से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे जाने, ए जाने, इसे क्या हो गया? इसे कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है तेरे को। अपन तेरे को बोले तू क्या है? एक लंबर का मतलब खुद गर्ज, तेरे का तो साला अपना दुख अपनी ही परेशानी दिखाई देती है। अरे मोहन सेठ, अपने लिए तो सभी जीते हैं, आदमी वो है जो दूसरों के दुख बांटे, कभी दूसरों के भी काम आए। अबे मैंने क्या किया है? हाँ क्या किया? अरे बोलता है क्या किया है? अरे उस दुखियारी के दुख तेरे को क्या मालूम, उसने इतना ही बोला था ना कि मेरे को बेंगलोर पहुंचा दो, और तूने क्या किया, कुत्ते की तरह धुतकार के उसे निकाल दिया। अरे तेरा पत्थर माफी दिले अपन को नहीं मालूम था, तू आदमी नहीं जनावर है, जनावर जानी। अरे मार देना मेरे मुंह पर लाफा, सच्ची बात बोलने में तो जानी भगवान से भी नहीं डरता। मंटो, चलो उठ खाना खा ले। नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, जिंदगी भर तक नहीं खाऊंगा। क्या है? वो बांका है ना, बांका, उसने अभी सोनी को देखा। कहाँ? पुलिया के आगे जंगल में बैठी है।
एक बस तो एकदम आराम आ जाएगा। जताने आया था मेरे से, नदी में धकेल कर आई हूँ, अभी तक तो कुल्फी बन गया होगा। ये ले बांगा, क्या उसको देखे, जल्दी जा। क्यों रे, तूने मुझे धोखा दिया ना, मुझसे बोला कि नदी पे आ और गया अपनी चहेती को लाने। बोल, बोलता क्यों नहीं कि तुझसे मरता है? हाँ हाँ मरता हूँ, कर ले जो करना है। संभाल के रखना अपना ये खिलौना, और अच्छी तरह सुन ले, सोनी मेरी प्रेमिका है, मेरी होने वाली पत्नी। आज फिर कभी सोनी पर हाथ उठाया तो इसी खंजर से मैं तेरा सीना चीर के रखूंगा, समझी? माफ करना तोता अंकल, आज मैंने आपकी खास नर्तकी पर हाथ उठाया, लेकिन मैं मजबूर था। अरे हाँ मोहन, तू छोकरी के बारे में क्या कह रहा था, वो तेरी प्रेमिका है? नहीं तोता अंकल, वो तो मैंने निशा से पीछा छुड़ाने के लिए कहा था। सच्ची बोल रहा है? हाँ तोता अंकल, ये बेचारी तो गांव वाली है, बेपढ़ी लिखी, और आप तो जानते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, अनएजुकेटेड हूं। भैया अनएजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड। वही तो कह रहा था लेकिन जबान फिसल गई। हाँ तो तोता अंकल, कहने का मतलब ये है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो आउटसाइड ऑफ पॉलिसी कहा। भैया भैया, आउटसाइड ऑफ पॉलिसी नहीं, आउट ऑफ पॉलिसी कहिए। वही तो कह रहा था। हाँ तो तोता अंकल, कहने का मतलब ये है कि आदमी को कभी कभी जिंदगी में पॉलिटिक्स बनना पड़ता है। अरे भैया, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिशियन होना पड़ता है। हाँ हाँ तो अंकल, मैं बाकी बात सवेरे ही करूंगा। सुन मोहन सुन, एक बहुत बढ़िया समाचार है। अरे आज सुबह पूना से एक थिएटर का बहुत बड़ा धनी आया, उसका नाम है सुबोध मुखर्जी, परंतु बंगाली नहीं है, झांसी का रहने वाला है। झांसा देने आया था क्या? अरे नहीं यार, वो पूना के बहुत बड़े थिएटर में हमारा तमाशा करा रहा है। थिएटर में? अरे हाँ, 200 रुपए पेश की दे गया है। अच्छा। और 800 रुपए तमाशे के बाद देगा, बस हमारा कारवां चला। अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। अरे हो तोहे देखूं तो लागे ठेस रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। चुनर उड़े बन में फिरे बहार, लाल 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 चुनर
छोड़ी बंदी तीर बहार। गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार। गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार। अरे हो बदला कैसा तूने भेस रे गोरिया कहाँ तेरा दे। अरे हो गोरिया कहाँ तेरा भेस रे गोरिया कहाँ तेरा दे। मोड़ मोड़ पे गोरी तेरी पायल करे पुकार। मोड़ मोड़ पे गोरी तेरी पायल करे पुकार। पे उड़े काले केसरे गोरिया कहाँ तेरा दे। ये लो देखो, तुम लोग यहां से बाय रोड बैंगलोर जाओगे। रास्ते में हर शहर, हर गांव और हर होटल में सुनीता का पता लगाओगे। जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, फौरन मुझे ट्रंक कॉल करके खबर कर देना। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये क्या क्यों था? अब कौन था? था? अरे भाई है, ये चाकू लग जाता तो था हो जाता। हाँ, आपका नाम? सुबोध मुखर्जी थिएटर वाला। सुबोध मुखर्जी थिएटर वाला? ओए सुबोध मुखर्जी थिएटर वाला, सुबोध मुखर्जी थिएटर वाला। आइए आइए सर जी, आइए आइए आइए, बड़ी खुशी हुई आप आए। मेरा संदेश मिल गया था ना? संदेश मिलते ही यहाँ चला आया। धन्यवाद धन्यवाद। रत्ना, हाँ भैंस की तरह खड़ी है। अरे सेठ जी आए हैं शरबत लेकर। आ अभी लाई अभी लाई। ए मोहन, मैंने कहा नहीं था इस बार हमारा खेल थिएटर में होगा। ये सेठ सुबोध मुखर्जी थिएटर वाले। नमस्ते, ये क्या देखते हो? अरे ये तुम्हारी निशा की तस्वीर है। हाँ, बच्चे बच्चे की जबान पर बंजारे निशा का नाम है। सेठ जी आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, आपके खेल में दिशा ऐसा नाचेगी क्या आप जिंदगी भर याद रखेंगे। क्यों ना निशा नाचेगी जब ना। भाइयों शांत हो जाइए, भाइयों खामोश हो जाइए, भाइयों मैं तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूँ, शांत हो जाइए।
अरे बाप रे, ये थिएटर है या गोदाम? अरे बाप रे, ये लोग तो मवाली है, निशा कैसे नाचेगी? निशा नहीं नाचेगी, नहीं नाचेगी, नहीं नाचेगी। क्या हो रहा है यहाँ? वहां लोग शोर मचा रहे हैं, यहाँ तुम लोग तैयार नहीं? ए निशा, निशा, निशा चल जल्दी तैयार हो जा। मैंने कहा ना कि मैं नहीं नाचूंगी। क्या सबको जेल बंद करा दूंगा? तो क्या दिल लगी है तुझे? क्या हो गया निशा, किस कारण मेरी बेइज्जती करवा रही है? मैं एक ही शर्त पे नाचूंगी, ये लड़की सोनी को अभी इसी वक्त यहाँ से निकालना होगा, और आज के बाद ये कभी हमारे कारवां के साथ नहीं जाएगी। ये क्या शर्त? इस बेचारी का तेरे नाच से क्या संबंध? मेरे जीवन से संबंध है। 5 मिनट में निशा का नाच शुरू होना चाहिए, वरना पुलिस बुला के सबको बंद करा दूंगा। सुभद्रा, आप चिंता न करें, शो जरूर होगा। सुनी, तुम मेरे साथ स्टेज पे चलो। मैं जानता तुम्हें नाचना नहीं आता, तुम गांव वाली हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। रत्ना काकी, सोनी को तैयार करके स्टेज पे भेज देना। आओ, मैं तुम्हें तैयार कर दूं, ऐसा तैयार करूंगी कि लोग याद रखें। आओ चलो। भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाइयों। मैं आप तुम कहां से आया मुर्गे? छेमिया को भेज, छेमिया को। सुनिए सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि नहीं चाहिए हमें, छमिया चाहिए, छमिया। चल भाग, बकरे यहाँ से भाग, भाग। आपके डांस, आपके मनोरंजन। अरे सिस्टर, ये क्या पहन लिया? मैं क्या करूं, रत्ना काकी ने मुझे पहना दिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अभी जल्दी से जाओ। नहीं नहीं, मैं इन लोगों के सामने नहीं नाचूंगी। नहीं नहीं सिस्टर, तुम एक बार जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे जाओ ना सोनी। सिस्टर, सिस्टर, कोई तो गाता होगा। होली का गाना आता है। चलेगा होली आई रे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिवाली, दिवाली का गाना चलेगा। चलेगा, चलेगा। घर घर में दिवाली है मेरे। नहीं, और क्या गाऊं? कोई चालू चीज गाओ। चालू चीज, चालू चीज, चालू चीज। ये मैं कहां फंसी, हल्दी फंसी, कैसी फंसी, तो न आवे हंसी, पापे बचा लो तसी। दैया ये मैं कहां फंसी, अरे फंसी, कैसी फंसी, तो न आवे हंसी, पापे बचा लो तसी। ला
ये देखो 100 रुपीज तोता अंकल ने दिए तुम्हारे लिए। तुम इसे रख। ओह नेवर नेवर योर मनी टेक यू। हाथ बढ़ाओ। अरे हाथ बढ़ाओ ना। फ्लैट तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं। कुछ बात तो कर रहे थे। भैया 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 जॉनी अंकल ने कहा कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। गड़बड़ 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 कैसी? मेरा मतलब है तू जाकर सो जा। मैं भी चला। ये भैया को क्या हो गया? सोनी भैया को क्या हो गया? लो भाई अभी इसे भी कुछ हो गया। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हेलो सोनी कहाँ जा रही है? कारण चलने वाला है। मां साहब तक जाकर अभी आती हूँ। हाँ जल्दी आना जल्दी आना। अच्छा सोनी वेट कमिंग मी वाई सोनी वेट कमिंग मी वाई। किस दुकान से खरीदना है तुम्हें? वो सामने वाली दुकान। उस दुकान से? हाँ मुझे भी कुछ खरीदना है फिर वहीं मिलेंगे। हा? अच्छा
यहाँ कोई लड़की सामान खरीदने आई थी वो। यहाँ तो कोई नहीं आई। कोई नहीं आया तो फिर शायद किसी दूसरी दुकान में गई। तू वहां जाके देख, मैं इधर जाके देख। भैया वहां तो कहीं भी नहीं है। कहीं वो वापस कैंप तो नहीं चली गई? चलो देखें। इतनी देर लगा दी इन लोगों ने, अभी तक नहीं आए। काका काका वो रहे मोहन बाबू। अरे तुम कहां जाकर बैठ रहे थे? कार में जाने के लिए तैयार है, वो नहीं कहां है? क्या वो यहां नहीं है? नहीं तो उसी को तो हम ढूंढ रहे। तो था काका, मैं एक शॉप में कुछ खरीदने गया, वापस आकर देखता हूँ तो वो गायब। जहां सारा दिन रात देखी है वहां एक रात और इंतजार कर लो मोंटो की खातिर। अगर वो सुबह तक ना आए तो हम यहां से चल देंगे, मैं वादा करता हूं। राजन बाबू, मैं बिहारी बोल रहा हूँ। जी हाँ, माल हाथ में आ गया है। उसे पकड़ लिया है क्या? शाबाश, कहाँ हो तुम लोग? कोल्हापुर से 20 मील आगे एक उजाल मकान में। यहाँ चारों तरफ मीलों दूर जंगल ही जंगल है। जी हाँ, एक काम आसानी से हो सकता है। ठीक है, तुम लोग काम पूरा कर लो और उसके बाद मुझे फौरन खबर कर देना। ओके बॉस, शाम तुम्हारा काम चालू। राजन बाबू, हमारे आदमी जंगल में उसकी खोज कर रहे हैं, कल तक उसे जरूर पकड़ लेंगे। और अगर नहीं पकड़ पाए तो? अगर वो हमसे बचकर निकल भी गई तो इतने बड़े जंगल में वो भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मर जाएगी। चील और कौवे उसकी पोटियां नोच डालेंगे।
भी वो होता तो तुझको देखकर मुंह में पानी आ जाता। कौन? अरे वही तेरा पति मोहन। पति? कितना प्यार करता है वो तुझे। तुझे पता है जब बेहोशी की हालत में यहाँ लाया तो डॉक्टर साहब के सामने रो पड़ा और बोला, डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूँ, एक एक पैसा जोड़कर मैंने 200 रुपए जमा किए हैं, मेरी सारी पूंजी ले लो मगर मेरी सोनी की जान बचा लो। पागल लड़की, ब्याहता होकर मोहब्बत के सपने देख रही है, भूल गई कि तेरी शादी हो चुकी है, तेरा पति जिंदा है। नहीं नहीं, वो मेरा पति नहीं है, वो मेरे बाप का कातिल है, वो मेरे खून का प्यासा है, मगर फिर भी वो तेरा पति है। धर्म से, कानून से, समाज के असूलों से अब भी वक्त है, लौट जा इस प्यार के रास्ते से, लौट जा। अपने पड़ाव कहाँ है? वो क्या सामने, वो देखो। सोनी, तुमसे मिलने से पहले मैं तो अपने काम में मगन था। प्यार किसे कहते हैं, दिल की धड़कन क्या होती है मुझे पता ना था। और जानती हो सोनी, जब तुम कारवां से बिछड़ गई तो ऐसा लगा जैसे दुनिया अंधेर हो गई, मैं पागलों की तरह जंगल में घुमाऊं। मैंने चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें आवाजें दी हैं, सोनी मेरी सोनी वापस चली आओ, अगर तुम वापस ना आई तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली, उसने मुझे तुमसे मिला दिया। हाँ, ये क्या, ये अंगूठी मेरी माँ ने अपनी भूख के लिए दी थी। हाँ, चलो मुंह खोलो, हमारे यहाँ शादी की बातचीत दुल्हा दुल्हन का मुंह मीठा करके पक्की की जाती है। चलो मुंह खोलो, खोलो ना। मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सोनी आ गई तो वो क्यों नहीं आया? सोनी तेरी उलझन बता रही है कि तुम उससे कुछ छुपा रही है? उलझन? कैसी उलझन? मोहन से कुछ झगड़ा हुआ क्या? नहीं तो उनसे झगड़ा कैसे हो सकता है, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है। और जब कोई किसी के लिए बहुत कुछ करता है तो एक ना बहुत बड़ा घाव भी लगाती है। जी सच सच बता क्या बात? बात अरे इसके हाथ में तो दारू की बोतल है। हाँ।
मोहन भैया शराब पी रहे हो, शराब नहीं आती। और किसी को कुछ बोलना? जानती हो निशा, सब लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं, तुम सब लोग पागल। ये बोतल है ना बोतल, ये दुनिया की हर सुंदर लड़की से ज्यादा खूबसूरत है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि ये धोखा नहीं देती, चालबाजी नहीं करती। बस तो मुझसे प्यार करती है ना, मुझसे शादी करना चाहती है ना? ओके, मैं तुझसे शादी करूंगा। तो फिर पिला अपने हाथ से। ये ले। पहले तो अरे तूने शराब पी ली? ये तो शराब है, अगर तू जहर भी देगा ना तो भी पी लूंगी गरम मसाले। ए, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं मोहब्बत। निशा दिखा दे दुनिया वालों को कि मोहब्बत क्या होती है, दिखा दे निशा। जो मिली है तू बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना ना ना। अब जो मिली है तू बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना ना ना। अब जो मिले है तो हाय रे हाय रे हाय रे साजना।
झूठी नहीं मेरी वफा, अब जो मिले है तू मुझको निगाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं नैनों को नैनों से कहने दे साजना, ना ना अब जो मिले है तू मुझको निगाहों में रहने दे साजना। मक्कार धोखेबाज, किसे इन मीठी बातों से धोखा दे रही है? मासूमियत का ढोंग रचाकर इतने दिनों मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन अब तेरी इन बातों में कोई दम नहीं, कोई धोखा नहीं खाएगा। कहती क्यों नहीं कि बेंगलोर में तेरा भैया है जिसके लिए तू घर से भागी है, जिसके लिए तूने तरह तरह के बहाने बनाए हैं, झूठ बोला है, एक नादान के जीवन से खेला है। बोल, बोल क्या हो गया तेरे को, पागल हो गया क्या? छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ेगा। मैं कहता हूँ छोड़ मेरा हाथ। भैया तुम सोने को कुछ नहीं कर सकते। हट जा। नया तुम्हारा। अरे हाथ। बोल मक्का कहीं की बोल दी क्यों नहीं? वहाँ छोड़ दूँगी। वहाँ छोड़ दे। छोड़ दे। मैं तुझे कब छोड़ दूँ? हट जा वहाँ जाते। बात समझ गया मैंने, लेकिन अब नहीं करूंगा। तूने शराब नहीं पी बल्कि शैतान का रूप धारण किया है। यार दोस्त कमसिन भाई, यहाँ तक एक बेकसूर लड़की पर हाथ रहा तूने? लड़की? अरे ये लड़की नहीं, साफ साफ तोता काका। मत बोल काका मुझे, काका तो उसी दम मर गया था जब तूने शराब को हाथ लगाया। सुन ले मोहन, अगर आज के बाद तूने फिर कभी शराब को हाथ लगाया तो इस कारवां से तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। समझा, संबंध टूट गया। मोहन किसी का नौकर नहीं, किसी का गुलाम नहीं। मैं पीऊंगा और जी भर के पीऊंगा। याद रख मोहन, जिस रास्ते पर तू जा रहा है तेरा कोई साथ नहीं देगा। कारवां अंकल यहां से चले जाएगा लेकिन तू हमारे साथ नहीं होगा। मेरा कारवां अकेला है, मैं जीऊंगा तो अपने लिए, मरूंगा तो अपने लिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जाओ, जिसको जाना है जाओ। गेट आउट। हाँ मोहन, बस्ती के दारू खाने में एकदम नशे में धुत, मैं साथ चलने को बोला तो मुझे धक्के मार के भगा दिए। वो नहीं आएंगे काका, काका वो नहीं आएंगे। हम भी और इंतजार नहीं करेंगे। सब लोग गाड़ी में बैठो। आरा तुम मंटू को अपनी गाड़ी में बिठा ले, हम इसे बेंगलोर इसकी वहां के बाद छोड़ देंगे। अच्छा चलो मंटू। निशा चल गाड़ी में बैठ। हट, छोड़ दे मेरा हाथ। चलना, मैं मोहन के बगल नहीं जाऊंगी। छोड़ दे मुझे। बैठ जा गाड़ी में। छोड़, मैं मोहन के बगल नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। गाड़ी चलाओ।
कार वहां जा चुका है, तुम यहां क्या कर रही हो? समझने की बात है। समझा, मेरा एहसान चुका रही है। नहीं, तुम्हें तबाही के रास्ते से रोक रही हूं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की भीख नहीं चाहिए, तुम जा सकते। तुम शराब नहीं पियोगे। तुम ये दिखाना चाह रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, पर मेरा बहुत ख्याल। हाँ है। और तुम मुझे तबाह होते नहीं देख सकती। नहीं देख सकती। तुम झूठी, एकदम झूठी। मैं झूठी नहीं हूँ मोहन, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। फिर झूठ, फिर दिखावा। क्या करूँ जो तुम्हें यकीन आ जाए, मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ। तुम नहीं कर पाओगी सोनी, तुम नहीं कर पाओगी। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे लिए शराब पी सकती हो? बस हार दी हिम्मत। परेशानी आती है, बड़ी बड़ी मायूसियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आदमी दीवाना नहीं हो जाता, परसों के रिश्ते नहीं तोड़ देता। मैं गलत कह रही हूँ? जवाब दो। हाँ? चलो माना मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम आपस से बाहर हो जाओ, साथियों के साथ झगड़ा करो, छोटे 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 भाई के साथ दिल्लत की तरह पेश आओ। मैं गलत कह रही हूँ? बोलो बोलो ना। हाँ, हाँ, हाँ। क्या कर रहे हो? कल से आज तक तुमने जो 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 कुछ भी किया है, इट इज सिंपली डिस्गस्टिंग। I can't imagine a man, especially a man, behaving in such a sentimental way and showing his grief by being irrational, irresponsible, and... कितने बुद्धू हो तुम समझते थे मैं गांव वाली हूँ, अनपढ़ हूँ? अरे मिस्टर, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। मैं जो हूँ तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम मेरी नजरों में क्या हो। तुम जैसा ना मेरे जीवन में आया है ना आएगा, मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करती है। नहीं नहीं, ये सच है मोहन, सच है। फिर से कहो। मैं तुम्हारी। अरे तुम मुझसे शादी करोगी? कसम खाओ। तुम्हारी कसम? ओह ओह, लेकिन हमारे यहाँ तो शादी की बातचीत दूल्हा दुल्हन का मुंह मीठा करके पक्की की जाती है। मीठा हो गया। ओ सोनिए मां छुट्टिया, कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। हो उजाला
ये अंतरा है पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालू हाल मोहे समा। सो मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया। कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालू हाल मोहे संभाल। साथियों, बिछड़े हुए साथी तो मिल ही गए, लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि अब हमारी बेटी सोनी के हाथ मेहंदी से लाल होंगे और मोहन के सर पर फूलों का सेहरा होगा। निशा, अगर तू चाहे तो मोहन से मैं तेरी शादी करा सकता हूं। कैसे? इसका काटा पानी नहीं मांगता। सोनी मर जाएगी और मोहन तेरा हो जाएगा, मगर उसके बाद मोहन एक हंसता गाता इंसान नहीं होगा, बल्कि एक चलती फिरती लाश। सोनी को तो एक बार सांप कसेगा, लेकिन जब मोहन दीवारों के साथ सट टकराएगा
और दीवानों की तरह कपड़े फाड़ कर सोनी सोनी पुकारेगा तो तुझे हर घड़ी हर पल एक नहीं हजारों सांप दसेंगे। निशा, बंजारों की तो रीत है कि जिसे चाहते हैं उस पर अपनी जान निछावर कर देते हैं, और तू मोहन की खुशी खातिर अपने प्यार की भेंट नहीं दे सकती और फिर भी दावा है प्यार का। मैंने माँ को चिट्ठी लिख दी है मेरे और तुम्हारे बारे में। माँ तो खुशी से फूली न समाती होगी। क्या सोच रही हो? हम बैंगलोर कब पहुंचेंगे? बस 3-4 दिन का सफर है, फिर हम लोग बैंगलोर में होंगे। हाँ बैंगलोर, तुम दोनों को कल सुबह की प्लेन से वहां पहुंचना है। 2 रोज बाद करमचंद यूरोप से बैंगलोर पहुंचेगा। सुनीता या तो वहां पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। राजन बाबू, कभी कभी इंसान औरत के प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि वो सोच भी नहीं सकता वो उसे धोखा देगी। मेरे लिए औरत की कीमत इस कमीज से ज्यादा नहीं, आज पहनी कल बदल। मगर राजन बाबू, मोनिका के पास एक मोहनदास की वो आखिरी चिट्ठी मौजूद है जिसके जरिए वो हमें ब्लैकमेल कर सकती है, जेल पहुंचा सकती है। लेकिन मोनिका का कहना है कि उसने वो चिट्ठी जला डाली। माफ कीजिएगा राजन बाबू, मुझे यकीन नहीं। मुझे भी नहीं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि वो चिट्ठी उसके पास मौजूद है। लेकिन मेरे दोस्त, हर काम का एक वक्त होता है। पहले हमें सुनीता को रास्ते से हटाना है, उसके बाद मोनिका की बारी। और वो कहाँ है मेरी होने वाली बहू? वो जुग जुग जियो बेटी। ठाकुर जी, देखिए आपने मोहन की पसंद है ना चांद का टुकड़ा? क्यों नहीं बहन जी, हमारा मोहन भी तो लाखों में एक है। मोहन, जब से तुम्हारी जीती आई है तुम्हारी माँ एक पल के लिए भी जेल से नहीं बैठी। पूरन पंडित महाराज के पास जाकर तुम्हारी सगाई का मुहूर्त निकलवा ले। शादी का जोड़ा और गहने। लड़कियों, जल्दी से दुल्हन को तैयार करो और नीचे ले आओ, महाराज आ गए हैं। आओ सोनी, मैं तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी, इतनी सुंदर कि मोहन भी देखता रह जाएगा। आज बहुत खुशी का दिन है सोनी, ये दिन रोज रोज थोड़ी ही आता है। हर लड़की जीवन में एक ही बार तो दुल्हन बनती है। तुम लोग जाओ, मैं खुद ही तैयार होकर आ जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। ये दिन रोज रोज थोड़ी ही आता है। हर लड़की जीवन में एक ही बार तो दुल्हन बनती है। हेलो, आई एम कॉल फ्रॉम बॉम्बे। दीजिए। यस जी, मैं करमचंद ही बोल रहा हूँ। मेरा नाम मोनिका है। मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि आपके दोस्त से मोहनदास की मौत हादसे से नहीं हुई, बल्कि उनका खून किया गया था, और खूनी का नाम है राजन। राजन? मगर तुम्हें कैसे पता कि राजन नहीं? मेरे पास कत्ल का सबूत है, सेठ मोहनदास का वो खत जो मरने से चंद मिनट पहले उन्होंने लिखा था। ये खत मैं आपको दे सकती हूँ। वो खत तुम पुलिस के हवाले भी कर सकती हो। शायद आपको खबर नहीं, सुनीता जिंदा है। राजन सुनीता के बाद मेरी जिंदगी लेना चाहता है, क्योंकि मैं उसकी राजदार हूँ। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, बाद में फोन करूंगी।
हेलो 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 ओम रेवर भुवन मान रेवर भुवन मान रेवर नहीं जाए नहा मोहन सोनी कमरे में नहीं है क्या क्या कह रही निशा हाँ ऊपर कोई भी नहीं है शादी के कपड़ों पर ये चिट्ठी रखी हुई थी कायरा हाँ चाचा जी मैं बड़ी मुश्किल से बैंगलोर पहुंची हूँ मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है तुम फिक्र नहीं करो बेटी राजन अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे पास अभी बंबई से एक लड़की मोनिका का कॉल आया था वो मुझे कत्ल का सबूत यानी तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी देने को तैयार है लेकिन वो राजन से मिली हुई है होगी मगर उसे ये मालूम हो गया है कि राजन तुम्हारे बाद उसका खात्मा करना चाहता है ताकि उसका राज कभी ना खुल सके बस बेटी तुम फौरन यहाँ चली आओ फिर कल हम बंबई चलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा हाँ हाँ ठीक है सुनीता वहां पहुंची थी हम उसे पकड़ने वाले थे मगर वो बच निकली कैसी बच निकली ये दूसरी बार है जो तुमने धोखा खाया बिल्कुल बेवकूफ है किसी काम के लायक नहीं हो बिल्कुल बेवकूफ मगर वो अकेले नहीं थी बॉस न जाने कहां से उसके दो साथी निकल आए और उसे बचा के ले गए मगर फिक्र की बात नहीं वो अपने साथियों के साथ जरूर बंबई पहुंचेगी तुम्हें कैसे पता इसलिए कि आपकी मोनिका मेम साहब दुश्मनों से मिल गई है क्या बख्त हो मैं सच कह रहा हूं बॉस मोनिका जी ने आपसे झूठ कहा था कि उन्होंने सेठ मोहनदास की चिट्ठी जला डाली है वो चिट्ठी दुश्मनों को देना चाहती है अच्छा ऐसे अच्छा तुम लोग वापस आ सकते हो बाकी का काम मैं खुद यहां संभाल लूंगा देखो सोनी हम लोग वापस मुंबई जाएंगे जो चिट्ठी मोनिका करमचंद को देना चाहती थी वो चिट्ठी उससे लेकर पुलिस के हवाले कर देंगे एक बार पुलिस को कत्ल का सबूत मिल जाए उसके बाद तुम आजाद राजन के आदमी हर जगह मेरी तलाश कर रहे हैं मैं बंबई कैसे पहुंचूंगी जैसे तुम बंबई से बेंगलोर तक पहुंची थी कल हम अपने चंद साथियों को लेकर मोहन की गाड़ी में तुम्हें छुपाकर वापस बंबई ले जाएंगे मोहन सेठ की गाड़ी 2 महीने लग जाएंगे काका देख जॉनी मेरी गाड़ी में 2000 रुपए का खर्चा है उसके बाद देखना मेरी गाड़ी हवा से बातें करेगी हेलो मोनिका स्पीकिंग मोनिका जी मेरा नाम मोहन है शायद आपको मालूम हो गया होगा कि सेठ करमचंद जी का खून कर दिया गया है आप जो चिट्ठी उन्हें देने वाली थी वो चिट्ठी लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ आप कहाँ हैं मैं आपको ये नहीं बता सकता तुम चिट्ठी लेने आ सकते हो मगर एक शर्त है सुनीता तुम्हारे साथ होनी चाहिए जी जी अच्छी बात है क्या हुआ मोनिका चिट्ठी देने को तो तैयार है लेकिन उसकी एक शर्त है कि सुनीता मेरे साथ होनी चाहिए सुनीता लेकिन ठहर सुनीता मेरे साथ नहीं जाएगी सुनीता यहीं रहेगी ये लो मांटो तुम यहीं ठहर लो अच्छा अगर कोई गड़बड़ होगी तो मैं ऊपर वाली खिड़की से इशारा करूं अच्छा तुम जॉनी को फोन कर लेना हाँ अच्छा तुम मेरे साथ चलो कोई नहीं है आइए ना बैठिए
अभी? जी हाँ। सुनीता, तुम अपना बुरखा उतार सकती हो। ये सुनीता नहीं है। हाँ ये सुनीता नहीं है, मगर वो अभी आ जाएगी। मैं फोन कर सकता हूँ? सुबह। ओरे भाई जॉनी। हाँ देखो यहाँ सब ठीक है, तुम सुनीता को लेकर यहाँ जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ यहाँ सब ठीक। जॉनी सुनीता को यहाँ मत भेजना। अरे छुट्टा उधर सब ठीक है सिस्टर, चलो अपन चलता है। चलो जॉनी तुमने शराब पी क्या? नहीं सिस्टर, अपना पाँव फिसल गया था, पाँव फिसल गया। जॉनी, जॉनी, तुम ठीक हो ना? अपन बिल्कुल ठीक है सिस्टर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जॉनी, जॉनी। ऊपर साहब ठीक है सिस्टर, तुम चलो, अपन अभी आता है, अभी आता। के बजाय ये इस लड़की को और अपने छोटे भाई को लेकर वहां पहुंचा था। सुनीता कहां है ये इसे पता है। हम पहले भी मिल चुके हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पांड्या, इस बिल्ली को गोदाम में बंद करके रख, बड़े काम की लगती है। मैं तेरी छोटी नोच लूंगी, कुत्ता कहीं का। कमीना, छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। ये जगह बिल्कुल वीराना है, यहाँ कोई कितना चीखे चिल्लाए उसकी आवाज या तो चील कवे सुनेंगे और या ये वीराना, और फिर ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में होती है राजन। तुम्हारी बात का जवाब मैं इस दोनाली से भी दे सकता हूं, लेकिन पहले मुझे सुनीता का पता चाहिए। सुनीता का राज मरते दम तक मेरे होठों पर नहीं आएगा। टाइगर। लड़के, देख लड़के, अगर तुमने मुझे सुनीता का पता बता दिया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। बंद करो। इसकी एक मत सुनो, ये खुद भी मरेगा और साथ में तुम्हारी जान भी लेगा। मेरे भाई के लिए मेरी जान चली जाए, इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की जान जाए। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मैं अभी बताता हूँ। टाइगर, इसे गले में रस्सी का फंदा डालो। Thank you.
भाई के हाथों भाई की जान कैसी जाती है ये तुम्हें आज पता चलेगा। इधर तुम गिरे और उधर तुम्हारे भाई की गर्दन सूखी लकड़ी की तरह चटक के टूट जाए। बोल, अब भी वक्त है। सुनीता कहां है? मंटू, मंटू जबान नहीं खोलना, मैं मर जाऊं पर जबान नहीं खोलना। मंटू तू अपना हक अदा कर चुका है, छोड़ दे मुझे भैया, छोड़ दे मुझे, मर जाने दे। इन दोनों को कहां पहुंचाना है तुम जानते हो। जीवन में साथ रहा है तो कब्र भी साथ होना ही चाहिए। बड़ा लेन, गाड़ी यहाँ है, इसका मतलब वो लोग यहीं कहीं हैं। ला बंदूक ला। इसमें गोली नहीं है। अच्छा, तुम इस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। बस थोड़ी सी देर और है, इसे जरा और चौड़ा करना है। तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हारा प्रेमी भी तो होगा। सुनीता, सच मानो मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसकी मुझे कोई खुशी नहीं, सिर्फ जरूरत और मजबूरी की बात है। मजबूरी यह है कि दुनिया में हम दोनों में से एक ही जिंदा रह सकता है, और क्योंकि फैसला मेरे हाथ में है इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा अभी इसी वक्त। गुड बाय माय लव। We'll be right back.
मोहन। मोहन, तुम समझते थे बाजी जीत ली है? इतना आसान नहीं है मोहन, इतना आसान नहीं। मैं मरूंगा जरूर, मगर आज नहीं। आज मैं तुम दोनों के कब्र में सुला के जाऊंगा। तैयार हो जाओ। तुम्हारा भी यही अंजाम। बोलो, पहले किसे मरना है? बोलो! निशा, निशा। कभी कभी याद कर लेना मेरी शर्म माँ। तुमसे विदा लेने आए। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। अच्छा सुनीता, अब मुझे भी इजाजत दो। तुम भी चले जाओगे? हाँ सुनीता, मेरी जगह यहां नहीं सुनीता, मेरा ठिकाना वही है, उन्हीं गरीब बंजारों के साथ, उसी लूटे हुए कारवां के साथ। मेरी घर में ना सही, मगर मेरी जगह तुम्हारे साथ है, तुम्हें मंजूर हो तो। अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। अरे हो तोहे देखूं तो लागे ठेस रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। कहाँ की राजी।